take him down. Everybody knows I've been faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. Mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. ओके तो अगर मैं आपको बोलूं कि डिजर्टिकल से वन टेप आना बहुत ज्यादा आसान है तो आप लोग मानोगे नहीं ना। यस गाइस, डिजर्टिकल से वन टेप आना बहुत ज्यादा आसान है, जितना मैं बोल रहा हूँ ना इससे भी ज्यादा आसान है। अगर आप लोग डिजर्टिकल लवर होना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बिकॉज ये वाला वीडियो पूरा डिजर्टिकल लवर पे होने वाला है। इस वीडियो में मैं एक क्रिएट किया हूँ डिजर्टिकल से वन टेप कैसे मारे, चाहे वो फिर शॉर्ट रेंज हो या फिर मिड रेंज हो या फिर लॉन्ग रेंज हो, हमें वन टेप ही मारना है। तो मैं इस वीडियो में वन टेप मारने के लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक को क्रिएट किया हूँ जिसे फॉलो करके मैं भी वन टेप मारता हूँ एंड आप भी बहुत तगड़ा वन टेप मार पाओगे। ओके तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी बकवास के। एंड आपका एक छोटा सा हेल्प चाहिए वीडियो को, यार एक लाइक कर दो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑल पे सेट कर देना। चलिए अपने बेसिक टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा जो पहला मतलब टिप्स है ना गाइस, जो आपके सेंसिटिविटी सेटिंग में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करने होंगे, पूरा नहीं बस थोड़ा बहुत चेंजेस करने होंगे। एंड सबसे पहले अपने सेंसिटिविटी सेटिंग पे आते हैं। यहाँ पे देख लो आपका मतलब, देखो मैं तो सब 100 रखता हूँ जनरल वगैरह, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रेड डॉट को 90 पे रखना है। यस गाइस, रेड डॉट को ना 90 पे करके रखना है। एंड यहाँ पे लिटरली 90 करने पे बहुत ज्यादा हेड लग रहा है, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहा है वन टेप हमारा, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं अपने सेकंड टिप्स की। देखो गाइस एक मिनट, लास्ट वाला जो टिप्स है ना बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उसे फॉलो करने के बाद ही आपका 100% वन टेप लग पाएगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। तो चलिए अभी सेकंड टिप्स की बात करते हैं, जो कि हमारा है वाइट एम। यस गाइस, वाइट एम। अगर आपने अगर सही से मेरे हर एक क्लिप को देखा होगा ना, तो मैं वन टेप भाई इवन हर एक शॉट में वाइट एम करके मारता हूँ। बिकॉज यार वाइट एम में इतना इजी होता है वन टेप मारना ना, कि लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इजी होता है। तो आप एक क्लिप को ले लो मेरे, ठीक है। यहाँ पे आप एक क्लिप को ले लो, मतलब एक क्लिप को ले लो, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा ये जो क्लिप है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले अपना जो एम है वाइट एंगल में रखा है एंड डाउन पोजिशन में रखा है। मेरा क्रॉस ईयर देखो गाइज वाइट एंगल में है एंड यहाँ पे डाउन पोजिशन में, और यहाँ पे सिंपली से मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेट ड्रैग कर रहा हूँ। एंड अगर आपका भी एम कुछ इस तरह हो तो आपको भी यहाँ पे स्ट्रेट ड्रैग करना चाहिए। आपको मैं एक और क्लिप दिखा रहा हूँ, उसमें भी आप देख लो, यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, यहाँ पे वाइट एम करा है एंड अपना डाउन पोजीशन में रखा है क्रूसर को, ठीक है। और यहाँ सिंपली से ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे वन टेप लग जाता है। अरे यही तो खास बात है वाइट एम का गाइस, मतलब हमें सिर्फ वाइट एम में अपना ड्रैग स्ट्रेट ड्रैग मतलब फायर करना होता है एंड यहाँ पे इजिली हमारा वन शॉट लग जाता है। एंड उसके बाद हमारा आता है रेड एम। रेड एम भी बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड रेड एम भी मैं मारता हूँ, बट खासकर मैं वाइट एम ज़्यादा मारता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रेड एम की एक क्लिप ले लेते हैं। यहाँ पे देख लो मेरा एक जो क्लिप है, तो आप इस क्लिप को देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मेरा जो एम है मतलब क्रोशियर जो है रेड हुआ ना, मेरा क्रोशियर जब रेड एम हुआ, ठीक है। या यहाँ पे मेरा जो क्रोशियर है देखो बंदे के जस्ट ऊपर मुंडी के बगल में है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा रोटेट सबसे ज्यादा मैटर करता है हमारा रोटेशन। तो यहाँ पे फायर बटन को देखो मेरा, मैंने सबसे पहले इसे ऊपर के साइड मतलब ड्रैग किया एंड उसके बाद मैं हल्का सा रोटेट करके नीचे के साइड लेकर आया, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा हेडशॉट इजीली लग गया है भाई। रेड एम बहुत ज़्यादा थोड़ा हार्ड होता है, बिकॉज रेड एम में हमें थोड़ा मतलब रोटेट करना होता है और इजीली होता है यार। एक बार और एक क्लिप को देख लो आप, और आप इस क्लिप को देखो, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे रेड एम किया, ठीक है, और वो बंदा सीधे मतलब जंप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जंप कर रहा है। एंड जब मैंने यहाँ पे रेड एम करके यहाँ पे ड्रैग किया ना, ठीक है, तो बंदा उधर जंप कर रहा था, तो मैंने अपना जो फायर बटन का मतलब पोजीशन है उसे मैं उसे रोटेट करके यहाँ पे मारा, ठीक है। मतलब जिधर बंदा घूम रहा था उधर ही मैं अपने रोटेट को घुमा दिया, मतलब अपने फायर बटन को घुमा दिया एंड इजीली हमारा वन टेप यहाँ पे लग गया। तो ये तो हमारा रेड एम हो गया। एंड अभी हम बात करते हैं गाइस, इन दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है, मतलब वाइट एम बेस्ट है या फिर रेड एम बेस्ट है। तो देखो मैं तो बोलूंगा इसमें दोनों ही बेस्ट है, बिकॉज हमें प्रैक्टिस की करने होती है, प्रैक्टिस के ऊपर ये सब डिपेंड करता है। तो सबसे मैटर हमारा करता है यहाँ पे प्रैक्टिस, तो आप लोग प्रैक्टिस करना होगा। एंड देखो मैं स्टार्टिंग में बोला कि लास्ट वाला जो टिप्स है ना बहुत ज्यादा अमेजिंग है, सो आप इसे मिस नहीं करना। एंड जो भी बंदे अगर बने हो तो भाई तो देख ही लेंगे, एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, याद दिला दे रहा हूं मैं। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ट्रिक की ओर, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें ज़्यादा आपको वर्क भी नहीं करना है, हार्ड वर्क भी नहीं करना है। आपको सिंपली से क्या करना है, अपने क्विक वेपन स्विच बटन को ऑन रखना है, ऑलवेज ऑन करके उसे रखना है। बिकॉज क्विक वेपन स्विच बटन से हमारा जो फायर पावर होता है 100% इंक्रीज होता है। मतलब हम जितना ड्रैग करते हैं ना भाई, क्विक वेपन स्विच से जब एक्सचेंज करते हैं ना, तो वहाँ पे तुरंत हमें एक्सचेंज करना होता है। एंड लिटरली इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमें वन टेप में। और अगर आप लोग वेपन स्विच बटन को मतलब क्विक वेपन स्विच बटन को यूज नहीं करते हो ना, तो एक बार यूज करके देखना, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट मिलेगा आपके गेम प्ले में, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा वन टेप मारने में। ओके तो आपको क्या करना है, अपने क्विक वेपन स्विच बटन को ऑन कर लेना है एंड ये सारे जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक दिया है इसे आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है, तभी जाकर आपका वन टैप इजीली लगेगा। और चलिए वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया ना तो कर दो यार वीडियो को लाइक, लाइक करने में क्या जाता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं।